अच्छा ये नाउ वी विल स्टार्ट टुडे द डेटाबेस क्रिएशन. तो देर आर वी कैन से दैट द थ्री डिफरेंट मेथड्स विद विच वी कैन क्रिएट द डेटाबेस. फर्स्ट जो ऑब्वियस है कि वो व्हेन यू विल इंस्टॉल योर ओरेकल सर्वर, तो एट दैट टाइम यू कैन उसे कहते हैं ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर. ठीक है, तो आप उसकी यूटिलिटी यूनिवर्सल इंस्टॉलर के थ्रू जो है वो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. और सेकंड जो है ऑप्शन ये है कि आप DBCA डेटाबेस क्रिएशन कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, ये डेटाबेस की एक यूटिलिटी है जो कि आपको GUI मोड प्रोवाइड करती है विद विच यू कैन क्रिएट द डेटाबेस. और ये जावा बेस्ड है तो इसलिए इसको स्टैंड लोन भी आप जो है वो इंडिपेंडेंटली लॉन्च कर सकते हैं. तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जावा इंजन जावा वर्चुअल मशीन को ये यूज़ करते हुए तो लॉन्च होगी और इट कैन बी यूज टू क्रिएट द डेटाबेस. और थर्ड जो सा है ऑब्वियसली मैनुअली वी कैन क्रिएट विद द क्रिएट डेटाबेस कमांड. तो हम इन तीनों को देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या ऑप्शन हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे. तो ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू शुड अंडरस्टैंड द प्रीरिक्विजिट्स नेसेसरी फॉर डेटाबेस क्रिएशन. तो जब आपने जाहिर डेटाबेस क्रिएट करनी है, फर्स्ट यू हैव टू प्लान द डेटाबेस के व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस यू वांट टू क्रिएट और व्हाट विल बी योर ओरेकल होम, व्हाट विल बी योर ओरेकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉर योर सॉफ्टवेयर एंड फॉर योर डेटा फाइल्स. ठीक है, एंड हाउ यू विल मैनेज द डेटा, हाउ यू वुड लाइक टू मैनेज द डेटा फाइल्स एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन द डिफरेंट डायरेक्टरीज. तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्लानिंग ऑफ डेटाबेस में आ जाता है. और उसके बाद जाहिर ऑब्वियस बात है कि यू विल प्लान के व्हाट विल बी द साइज ऑफ योर डेटा फाइल्स एंड हाउ मेनी डेटा फाइल्स यू कैन क्रिएट एक्सपेक्टेड साइज एंड द नंबर ऑफ कंट्रोल फाइल्स रीडू लॉग फाइल्स एंड द साइज and the expected incremental rate of data for your database. So uske hisab se you also have to define the extension policy of your data. To ye sari cheeze hain, to ye sabse pehle aap usko design karenge, sorry usko plan karenge, so then you will start creating the database. Acha isme ek cheez important hoti hai ke डेटाबेस जो उनसे ना ये वंस यू विल क्रिएट द डेटाबेस तो वो बहुत रेयर चांस होता है कि आप उसको चेंज करें. ठीक है, आप उसका स्ट्रक्चरल चेंज लाइक डेटाबेस सॉरी डेटा फाइल्स तो ऐड करेंगे, रीडू लॉग फाइल्स आप ऐड कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का वो चेंज नहीं होता. तो इसलिए ये बड़ा केयरफुली प्लान करने के बाद देन यू विल डिसाइड टू क्रिएट द डेटाबेस. तो उसमें क्योंकि ये नहीं होगा कि बाद में आप 6 माह बाद या 1 साल बाद कहेंगे कि आप दोबारा डेटाबेस को चेंज कर लें. तो हाँ ये हो सकता है कि देन इफ़ यू वांट टू नीड अ मेजर चेंज देन यू विल क्रिएट द न्यू डेटाबेस एंड देन यू कैन माइग्रेट द डेटा फ्रॉम योर ओल्ड डेटाबेस टू द न्यू डेटाबेस. तो उसके लिए फिर जो है ना वो ओरेकल माइग्रेशन जो एक फैसिलिटी है उसको यूज़ करते हुए आप अपने डेटाबेस को माइग्रेट कर सकते हैं एक डेटाबेस से दूसरे के ऊपर. तो लेकिन वो भी जाहिर है कि इतना टाइम टेकिंग होता है, यू हैव टू शट डाउन योर सर्वर, तो वो इम्पोर्टेंट होता है. ये भी डिसीजन जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वंस यू विल अप योर स्टार्ट योर सर्वर तो उसको डाउनलोड करना डाउनलोड करना और उसको शट डाउन करना जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है बिकॉज फॉर दैट पीरियड द सर्वर विल बी unavailable for the users. अच्छा planning of database की बात कर लें तो जैसे मैं बता रहा था कि first you have to define the purpose of the database. लेकिन database के different purpose हो सकते हैं. आपकी database general purpose database हो सकती है which will be used to track to store the day to day activities of the business. फिर आपकी जो है वो online transaction processing OLTP databases जिसे कह देते हैं वो हो सकती हैं कि आपके यूजर जैसे आपकी बैंकिंग की ATM machines हैं, this is your OLTP database कि वो जो ऑनलाइन वो ट्रांजेक्शन कर रही है, जो भी आप डेबिट कर रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं बिल पे कर रहे हैं, तो वो आपकी जो ऑनलाइन जो एक्टिविटीज हैं उनको ट्रैक करती है. तो फिर जो है थर्ड जो है आपकी डाटा वेयर हाउस हो सकता है, दैट विल बी प्योरली यूज फॉर द एनालिसिस पर्पस एंड दैट विल बी यूज टू स्टोर द लार्ज आर्काइव डाटा सेट्स एंड देन यू विल
एनालाइज दैट डाटा. तो इस तरह डिफरेंट है. तो वो आपने एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस यू शुड बी वेरी क्लियर एंड यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस यू आर गोइंग टू क्रिएट. तो वो आप उसमें डिफाइन करेंगे, वो उस हिसाब से फिर उसको एडजस्ट करेगा बाकी सारी चीज़ों को. तो टाइप हो गया, उसका पर्पज़ हो गया कि फॉर व्हाट पर्पज यू वांट टू क्रिएट द डेटाबेस. तो ये हो गया. फिर देन यू विल आफ्टर डिसाइडिंग दिस यू विल चाक आउट द आउटलाइन ऑफ योर डेटाबेस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कि उसमें जो आपकी डेटा फाइल्स हैं वो किधर रिजाइड करेंगी, वो मल्टीपल लोकेशंस पे रिजाइड करेंगी, सेम लोकेशन पे होगी, कंट्रोल फाइल है और उसकी मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होगी, वो किस किस जगह मल्टीप्लेक्स करेंगे, रीडू लॉग फाइल्स की के कितने ग्रुप्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे और उसकी मल्टीप्लेक्सिंग आप कैसे करेंगे फॉर सिक्योरिटी पर्पज. क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपकी कंट्रोल फाइल जो उनसे वो डैमेज हो जाए तो आपका सर्वर डाउन हो जाता है. तो इसलिए आप नॉर्मली फॉर सिक्योरिटी पर्पज यू कैन मल्टीप्लेक्स योर कंट्रोल फाइल ऑन द डिफरेंट लोकेशन. तो अगर किसी एक लोकेशन पे वो डैमेज हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाएगा दूसरी के ऊपर. बिल्कुल इसी तरह रीडू लॉग फाइल, तो आपके ओरेकल सर्वर को जो है वो एटलीस्ट टू ओरेकल ग्रुप्स मस्ट बी अवेलेबल ऑल द टाइम टू फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ओरेकल सर्वर. तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका सर्वर डाउन हो जाता है. तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट और मोर देन टू डिफरेंट रीडू लॉग ग्रुप्स, तो वो जो उनसे उसकी मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं. तो लेकिन जाहिर है कि आपके रिसोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव फॉर योर डेटाबेस. तो आपने उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी. लास्ट पे फिर आ जाता है कि ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि यू हैव टू चूज द नेम ऑफ योर डेटाबेस, क्योंकि वही फिर आपके इंस्टेंस का नाम होगा, आपके ओरेकल बेस में होगा जिसको हमने ओरेकल सीड कह दिया था, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो वो आपने अप्रोप्रिएट जो है वो नाम चूज़ करना है कि आपकी डेटाबेस का नाम क्या होगा. तो फिर जो है वो आप डेटाबेस को क्रिएट करेंगे. तो ओरेकल डाटा माइग्रेशन असिस्टेंट इज यूज, तो ये जो है ODMA जो है ये माइग्रेशन असिस्टेंट होता है, जो कि मैं अभी बता रहा था कि इफ़ यू डिसाइडेड टू चेंज द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ योर डेटाबेस, तो उसके लिए फिर आप वो एग्जिस्टिंग डेटाबेस को नहीं करेंगे, आप किसी भी ओल्ड डेटाबेस से जो है वो न्यू डेटाबेस पे शिफ्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग माइग्रेशन असिस्टेंट. अच्छा, इसको थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है, OFA, ठीक है, ओरेकल ऑप्टिमल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर. तो ओरेकल रिकमेंड स्टैंडर्ड डेटाबेस आर्किटेक्चर लेआउट, तो ये आपको ओरेकल रिकमेंड करता है लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है. इट विल बी टोटली डिपेंड ऑन द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और यू कि आप उसका आर्किटेक्चर कैसे देखना चाहते हैं या कैसे मैनेज करते हैं, इन अदर वर्ड्स कह लें. तो बहरहाल ओरेकल आपको रिकमेंड करता है कि आप OFA जो है उसको फॉलो कर लें. तो ये करेगा क्या, इट विल एस्टेब्लिश अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वेयर एनी डेटाबेस फाइल कैन बी स्टोर्ड on any disk resource, separate the objects with different behavior in different table spaces, or maximize the table database reliability and performance by separating the database components across different disk resources. तो ये तो इसके OFA की बात वो कर रहा है कि अगर आप OFA को करेंगे तो वो आपके different जो data files हैं उनको automatically separately store करेगा, उनको manage करेगा, ठीक है. और फिर जो आपके different objects हैं according to their behavior उनको वो डिफरेंट टेबल स्पेसेस के अंदर जो है वो स्टोर करेगा. लाइक जैसे इंडेक्स है तो इंडेक्स टेबल स्पेस में स्टोर करेगा, अगर आपके कोई टेबल्स हैं तो टेबल्स को वो डाटा फाइल्स के अंदर स्टोर करेगा, अगर आपके टेम्परेरी सेगमेंट्स बन रहे हैं वो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको टेम्परेरी टेबल स्पेस में स्टोर करेगा, और अगर आपके अनडू सेगमेंट्स बन रहे हैं तो उसको अनडू टेबल स्पेस में स्टोर करेगा, और अगर आपके कोई व्यूज हैं, स्नैपशॉट्स हैं, सिनोनिम्स हैं तो उनके लिए यू कैन यूज अ सेपरेट टेबल स्पेस और सेपरेट डेटा फाइल. तो इस तरह अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कैन मैनेज इन टू डिफरेंट टेबल स्पेसिस. तो ये आपका जो ये आपको ओरेकल रिकमेंड करता है. अगर आप ये कुछ भी नहीं करते तो ऑल ऑब्जेक्ट्स विल बी स्टोर्ड इन द सेम टेबल स्पेस, और अगर वो थोड़ा सा लार्ज सेट में जाएंगे तो इट विल क्रिएट द मेस. तो ऑब्वियसली देन इट विल आल्सो डिटेरियरेट द परफॉर्मेंस ऑफ योर डेटाबेस, और उसको मैनेज करना, कल को आपने उसको कोई चेंज करना है, कोई ऑब्जेक्ट को जो है उसकी लोकेशन चेंज करनी है, उसको फाइंड करना है, तो वो ऑब्वियस बात है कि वो उसको फिर ईजी नहीं होगा उसको मैनेज करना. तो ये फिर आपने स्टार्ट में ही डिसाइड करना है कि हाउ यू विल मैनेज द थिंग्स.
फॉर योर डेटाबेस। अच्छा, ये एक ओरेकल सॉफ्टवेयर और फाइल लोकेशन, देखें दो चीजें हैं, एक तो आपके ओरेकल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होंगे जो आपकी यूटिलिटी है जिनकी हम बात कर रहे हैं कि आपकी एसक्यूएल प्लस है, एसक्यूएल है और ओरेकल कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट है, और उसकी दूसरी जो यूटिलिटीज हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर हायरार्की चलेगी, और एक आपकी फाइल्स होंगी जो कि आपकी फिजिकल फाइल्स हैं दैट विल बी क्रिएटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें आपने फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस हायरार्की को सपोर्ट करता है और कैसे फॉलो करता है, तो आप उसके मुताबिक जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ओरेकल बेस विल बी द फर्स्ट डायरेक्टरी वेयर योर ओरेकल होम विल रिजाइड। ठीक है, तो ये ओरेकल बेस आपने खुद डिसाइड करना है कि रूट के ऊपर किस डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी एज अ ओरेकल बेस आपकी एक्ट करेगी। और उसके बाद प्रोडक्ट आ गया, रिलीज नंबर आ गया, तो ये रिलीज नंबर नॉर्मली उस वक्त आपके लिए हेल्पफुल होता है व्हेन यू आर गोइंग टू इंस्टॉल मोर देन वन, वी कैन से द सर्वर रिलीज, लाइक आप कहते हैं जी 9.1 है, फिर 9.2 है, फिर 9.21 है, तो इस तरह मोर देन वन रिलीज मैनेज करना चाह रहे हैं, तो देन यू विल गिव द रिलीज नंबर एज वेल। तो ये आपके ओरेकल होम की अंदर, ओरेकल बेस के अंदर ही आएंगे सारे एक यूज में, और फिर एडमन है, और फिर ये उसकी सारी जो है ना वो पी फाइल आपकी एडमन के अंदर इंस्टेंस नेम की एक फाइल बनेगी, डायरेक्टरी बनेगी, और वो सारी जो है वो फॉलो करता जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह फिर आपकी जो है फाइल्स हैं, ओरा डाटा है, और ओरा डाटा एक्चुअली इज अ डायरेक्टरी विच विल बी यूज टू स्टोर द यूर एक्चुअल डाटा फाइल इन विच यूर एक्चुअल डाटा विल बी स्टोर। तो इसके अलावा फिर आप जो है वो कंट्रोल फाइल है आपकी, रीडू लॉग फाइल्स हैं, तो ये सारी जो है इनको आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपकी हायरार्की जो है इसको फॉलो करें। अच्छा, इसकी प्रीरिक्विजिट्स में जो है ना वो यू मस्ट हैव द फॉलोइंग। अच्छा, एक चीज इसमें आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि आप प्रिविलेज्ड अकाउंट ऑथेंटिकेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पासवर्ड फाइल and sufficient memory to start the instance and sufficient disk space for the planned database. अब देखिए ये इसमें important है, number one privileged account. तो privileged account का मतलब ये है कि you must have some special privilege if you want to create the database. पहले हमने last course में पढ़ा था कि आप different privileges, different functions के लिए आप करते हैं, कोई आपने object create करना है और कोई नया यूजर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास प्रिविलेज होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इफ यू आर अ सिस डीबी ए यूजर, ओनली सिस डीबी ए और सिस ऑपरेटर यूजर हैं, तो देन यू कैन ओनली क्रिएट द डेटाबेस, ये तो कंफर्म हो गया। तो सिस डीबी ए इज अ रोल विच विल गिव यू अ स्पेशल, ग्रांट यू अ स्पेशल प्रिविलेज, आफ्टर ग्रांटिंग दैट यू कैन क्रिएट द डेटाबेस। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द, हम कहते हैं जी कि सिस डीबी ए रोल जो उनसा है ये एक्चुअली करता क्या है, क्यों सिस डीबी ए रोल चाहिए आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, तो इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है कि यू मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द पासवर्ड फाइल और द पासवर्ड फाइल। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से जो सिस डीबीए यूजर होगा वो या तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑथेंटिकेट होगा, मींस कि आपकी डेटाबेस से नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि यू आर गोइंग, इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू क्रिएट द डेटाबेस, क्योंकि जो बाकी सारे यूजर्स होते हैं, ये लास्ट टाइम मैंने भी बात की थी किसी उसमें लेक्चर में, जो आम बाकी सारे यूजर्स होते हैं दे आर एक्चुअली ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम द data dictionary that will be stored in your database, and the data dictionary can only be available when your database will be open. Once your database will be shut down or in a no mount or mount stage, data dictionary will not be available. So iska matlab ye ho gaya ki agar aapka koi bhi user jo unsa hai wo data dictionary se authenticate ho raha hai, so then the user can only log in when your database will be open. तो लेकिन ये जब आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे होते हैं तो यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, लाइक आपने रिकवरी करनी है, तो इसका मतलब ये है कि विदाउट रिकवरी योर डेटाबेस कैन नॉट बी ओपन। तो हाउ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी ऑथेंटिकेट व्हेन द डेटाबेस डिक्शनरी विल नॉट बी अवेलेबल। तो इसलिए जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना वो डेटा डिक्शनरी से ऑथेंटिकेट नहीं होते,
ठीक है, तो इस चीज को आपने बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करना है. तो वो डीबीए जो से है वो ऑलवेज विल ऑथेंटिकेट बाय टू मींस, वन ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक कर दें उसको, कि जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉग इन हो तो दे कैन ऑल्सो एक्सेस द डेटाबेस, तो वो उसको आपको डेटाबेस सर्वर के ऊपर भी एक्सेस दे दे, ठीक है, तो वो हो जाएगा जो अंडरलाइंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. और सेकेंड जो उनसे इम्पोर्टेंट है कि यूजर विल बी ऑथेंटिकेट फ्रॉम द पासवर्ड फाइल, तो दैट विल बी स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द डेटाबेस सर्वर, तो वो डेटाबेस सर्वर से सेपरेट जो उनसे वो स्टोर होगी. और इसको आप रिमोटली भी कर सकते हैं, इसका बैकअप भी ले सकते हैं कि किसी वजह से अगर वो लॉस हो जाती है तो वो आप उसको जो उनसे वो रिकवर कर सकें. तो पासवर्ड फाइल जो उनसे है उसको क्रिएट करने का सेकंड जो उनसे वो सफिशिएंट मेमोरी टू स्टार्ट द इंस्टेंस, और जाहिर ऑब्वियस बात है कि ये आपने कैलकुलेट करना है कि आपका इंस्टेंस जो उनसे वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता है, और वो आपके पास अवेलेबल है सफिशिएंट, और सफिशिएंट डिस्क स्पेस जो उनसे है फॉर योर प्लान डेटाबेस, उतनी स्टोरेज है आपके पास, तो देन यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग द डेटाबेस. अच्छा, इसमें अब आ गया पासवर्ड फाइल. पासवर्ड फाइल जो उनसे है ना, इसको क्रिएट करने के लिए ओरेकल आपको एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड ओरा पीडब्ल्यूटी. ओरा पीडब्ल्यूटी यूटिलिटी के थ्रू जो उनसे है ना वो यू कैन क्रिएट द पासवर्ड फाइल. इसको भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करती है और क्या करती है. अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो सिस डीबीए है, लास्ट कोर्स में मैंने आपको मेरा ख्याल है कि काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट दिया था कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्कीमा. तो स्कीमा जो आंसर है वो हमने कहा था जी कि कोई भी यूज़र जब आप क्रिएट करेंगे तो विद द सेम नेम ऑफ द यूज़र नेम द स्कीमा विल बी क्रिएटेड, एंड आफ्टर दैट व्हेन एवर द यूज़र विल क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट विल बिलोंग टू दैट स्कीमा. ठीक है, तो लेकिन अब उसमें ये देखें कि जो आपका है डेटा ओरेकल सर्वर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपकी डेटाबेस डेटा डिक्शनरी क्रिएट होती है. ठीक है, तो जब आपकी डेटा डिक्शनरी क्रिएट होती है तो उसके जो बेस टेबल्स हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं या उनके उसके जो व्यूज हैं तो विद विच स्कीमा दोज ऑफ बेस टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट विल बिलोंग्स. ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी डेटा डिक्शनरी है उनका ऑनर कौन होगा. तो उनका ऑनर जो है ना वो सिस स्कीमा होता है, एस वाई एस स्कीमा जो है वो क्रिएट होता है व्हेन यू विल इंस्टॉल द ओरेकल सर्वर. तो वो आपका सिस स्कीमा जो है वो क्रिएट होता है, एंड आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू यू मस्ट हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट द डेटा डिक्शनरी बेस टेबल्स एंड पी एल सीक्वल सपोर्ट. तो ये आप क्रिएट करेंगे, इसके लिए आप स्क्रिप्ट रन करेंगे, और उसके बाद जो सा है देन यू कैन यूज दैट डेटाबेस. तो उस वक्त जो सा वो सिस स्कीमा क्रिएट कर देता है. अब जो यूजर है जो सिस डीबीए यूजर जिसको आप ग्रांट करेंगे उसका वट एवर द नेम यू विल चूज फॉर दैट यूजर व्हेन दैट यूजर विल यूज विल कनेक्ट विद द डेटाबेस एज अ सिस डीबीए यूजर तो इट ऑलवेज कनेक्ट विद द सिस स्कीमा. तो उसको सिस स्कीमा के ऊपर एक्सेस होगी. ठीक है, लेट्स सपोज आप कहते हैं जी शाहिद नाम का यूजर आप क्रिएट करते हैं और उसको आप सिस डीबीए का दे देते हैं रोल ग्रांट कर देते हैं. तो इट मींस कि नाउ दिस यूजर वी कैन बी ऑथेंटिकेट फ्रॉम द पासवर्ड फाइल और मस्ट बी ऑथेंटिकेट फ्रॉम द पासवर्ड फाइल. तो एक तो ये चीज होगी, और दूसरी होगी कि जब आप करेंगे कनेक्ट शाहिद एज सिस डीबीए कि एज सिस डीबीए कनेक्ट हो डेटाबेस के साथ, तो वो जो है ना इट विल कनेक्ट विद द सिस स्कीमा नॉट द शाहिद स्कीमा. तो अब अगर वो कोई भी चेंज करेगा तो अगर वो डेटा डिक्शनरी के लेट्स सपोज कि कुछ उसकी ऐसी इंफॉर्मेशन है विच कैन बी चेंज्ड और अपडेट बाय द यूजर डीबीए यूजर, तो वो अगर चेंज करेगा तो दैट विल चेंज इन द डेटा डिक्शनरी विच बिलोंग्स टू द सिस स्कीमा. ठीक है, नॉट इन द कॉमन शाहिद स्कीमा. एक ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये होगा जाएगा कि वो फिर जो है वो डेटा डिक्शनरी के बेस टेबल्स को एक्सेस कर सकेगा एज अ ऑनर क्योंकि वो सिस स्कीमा के साथ ऑनर है. तो ये जितने भी डीबीए आपके यूजर्स होंगे वो मोर देन वन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही हो. लेट्स सपोज आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सिस डीबीए यूजर आप फाइव बनाते हैं. ठीक,
वो पांच के पांच जो उनसे है ना, वो कनेक्ट जब भी हुआ करेंगे, लॉग इन हुआ करेंगे, तो दे विल कनेक्ट और दे ओन द सिस स्कीमा एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिस स्कीमा. तो ये इसमें डिफरेंस है कि अ प्रिविलेज्ड अकाउंट ऑथेंटिकेटेड बाय द वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो होना चाहिए. ऑथेंटिकेटेड मोड जो उनसे है वो सिंपल बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो मोड हो सकते हैं. या तो ये है कि आपका पासवर्ड फाइल विल आल्सो रिजाइड ऑन द सेम सिस्टम वेयर योर डेटाबेस सर्वर योर डेटाबेस विल रिजाइड, और यू कैन आल्सो स्टोर फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, यू कैन आल्सो ऑथेंटिकेट द सीसीडीबीए यूजर्स रिमोटली फ्रॉम द अदर. आपने कोई ऑथेंटिकेशन सर्वर कन्फिगर किया हुआ है, ठीक है, तो रिमोटली भी वो जो उनसे उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं आप सीसीडीबी को फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए. अच्छा, ये आपकी है और पीडब्ल्यू टी जो उनसे है ना, ये आपकी है यूटिलिटी है दैट विल बी यूज टू क्रिएट द पासवर्ड फाइल, ठीक है. और ये आप और ये स्टैंड लोन होती है, तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द ऑरा, यूज द ऑरा पीडब्ल्यूटी यूटिलिटी टू क्रिएट द पासवर्ड फाइल, एंड देन योर डीबीए यूजर विल ऑथेंटिकेट फ्रॉम दैट पासवर्ड फाइल एंड देन क्रिएट द डेटाबेस, तो वो उसको कर सकते हैं. तो इसलिए ऑरा पीडब्ल्यूटी यूटिलिटी का नाम है, फाइल इज इक्वल टू द कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल वेयर यू वांट टू स्टोर द फाइल, ठीक है. तो उसमें ओरेकल होम के अंदर डीबीएमएस में अंदर आप कोई भी एक फोल्डर, आपने ऑरा पीडब्ल्यूटी यू 15 के नाम से एक फोल्डर बना दिया, तो वो उधर आपकी फाइल को जो है वो क्रिएट कर देगा. और पासवर्ड आप पासवर्ड देंगे कि उसका पासवर्ड का आप क्या देना चाहते हैं, और एंट्रीज तो ये इंपॉर्टेंट है. तो एंट्रीज जो है ना, ये मैक्सिमम आप एक पासवर्ड फाइल से 5 DBA यूजर्स को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं, ठीक है. तो इफ यू वांट टू ऑथेंटिकेट मोर DBA यूजर्स, देन यू हैव टू क्रिएट अ वन अदर पासवर्ड फाइल. तो आप इस तरह, ये भी सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है, तो फिर आप जो है वो मोर देन वन पासवर्ड फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो वो जो है वो मोर देन वन 5 to 10 और एनी नंबर ऑफ DBA यूजर्स उनके हो सकते हैं, ठीक है. बल्कि हर एक काम के लिए अलग अलग DBA यूजर हो सकता है, लाइक फॉर द परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग एक यूजर हो गया, ठीक है, और फॉर बैकअप रिकवरी एक यूजर हो गया, फॉर डे टू डे टू मॉनिटर द डे टू डे एक्टिविटीज एक यूजर हो गया, फॉर ट्रबल शूटिंग डीबगिंग एक DBA एडमिनिस्ट्रेटर हो गया. तो इस तरह वो जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ड्यूटीज बड़ी स्पेसिफिक और असाइंड होती है, तो वो ये इस तरह काम करते हैं. अच्छा, ये देखें, इसमें आपने देखें, ये दिया ग्रांट सिस डीबीए टू एचआर. अब एचआर एक यूजर है, ठीक है. तो जब आपने सिस डीबीए टू एचआर दिया, तो जब आप एचआर अब कनेक्ट होगा, कनेक्ट एचआर एज सिस डीबीए कनेक्ट होगा, तो एचआर नाम का भी स्कीमा क्रिएट होगा, क्योंकि एचआर एक यूजर है. लेकिन जब वो एज सिस डीबीए यूजर कनेक्ट होगा, तो इट विल कनेक्ट विद द सिस स्कीमा नॉट द एचआर स्कीमा, ठीक है. तो ये इसमें डिफरेंस हो जाता है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है. इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, और अगर इसमें किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो तो आपने ज़रूर डिस्कस करना, क्योंकि दीज ऑल थिंग्स मस्ट बी वेरी क्लियर फॉर यू, देन यू कैन वर्क विद ऑल दिस थिंग्स. अच्छा, ये हो गया कि डेटाबेस क्रिएशन जो उनसे है ना, उसके तीन जैसे मैंने मोड बताया कि अच्छा, और उसके दो डिफरेंट मेथड्स हो सकती हैं. वन फर्स्ट मेथड ये है कि व्हेन यू विल इंस्टॉल द ओरेकल सर्वर, at that time you can also create the database. You have a option at that time ki aapse wo puchta hai ki you also want to create the database, lekin agar aapne uski planning nahi ki hui, theek hai, uska architecture nahi layout kiya hua aur aapne dusri cheezon ko calculate nahi kiya hua, so you can actually miss that at the time of installing the oracle server. To lekin ye hai ki agar aap us waqt karte hain to universal installer oracle universal installer uski utility hai, so that will call the Oracle ODBC, ODCA, ठीक है, Oracle Database Configuration Assistant को कॉल करेगी और उसी वक्त उसकी डेटाबेस को क्रिएट कर देगी. लेकिन अगर आप उस वक्त डेटाबेस क्रिएट नहीं करते, तो जैसे मैंने बताया कि ODCA जो है ना, ये आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जावा बेस्ड है, और कैन बी लॉन्च्ड बाय द Oracle यूनिवर्सल इंस्टॉलर और कैन बी यूज एज अ स्टैंड लोन. तो दोनों तरीकों से ये यूज हो सकती है. तो अगर आप OUI
के थ्रू जब ओरेकल इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस वक्त भी ये लॉन्च हो सकती है, वो उसको कॉल कर लेगा अगर आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप ये ऑप्शन नहीं चूज करते तो बाद में आप इसको स्टैंड लोन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं वंस योर सर्वर विल बी इंस्टॉल्ड। और थर्ड जो सी है वो ये ऑब्वियस बात है कि थ्रू द क्रिएट डेटाबेस कमांड, तो ये करेंगे। तो आपने जो सा है वो कोशिश करनी है कि ओरेकल सर्वर इंस्टॉल करें और डेटाबेस को क्रिएट करें द क्रिएट डेटाबेस कमांड, ठीक है। तो क्योंकि जीयूआई मोड जो सा है ना वो तो ऑब्वियस है, उसके बैकएंड पे भी आपको अच्छी तरह अंदाजा ही है कि यही कमांड्स चल रही होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट जो सा है वो उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं विच यू हैव टू डिसाइड व्हेन वंस यू विल गोइंग टू क्रिएट द डेटाबेस। उसमें ओरेकल बेस है, फिर ओरेकल होम है, लेकिन ओरेकल बेस वो डायरेक्टरी है वेयर यूर ऑल ओरेकल रिलेटेड फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर्स विल बी रिजाइड, ठीक है। और फिर ओरेकल होम आपकी वो डायरेक्टरी है जिधर आपकी एक्चुअल ओरेकल होम जो सा वो रिजाइड करेंगे। लाइक आप कहते हैं जी कि ओरेकल इंस्टॉलेशन आपका ओरेकल बेस बन गया और उसके अंदर आप कहते हैं जी कि रिलीज 1.9.1 रिलीज 9.2, तो ये आपकी जो सा ना ये आपकी ओरेकल होम आपकी बन जाएगी। ये आपकी जो सा ना O01 एक है, O02 सेकेंड है, O03 3 है, तो यू कैन एक्चुअली मैनेज मोर देन वन ओरेकल होम्स अंडर द वन ओरेकल बेस। कि अगर आपने मोर देन वन इंस्टॉलेशन करनी है, मोर देन वन इंस्टॉलेशन मींस कि मोर देन वन डेटाबेसिस क्रिएट करनी है, तो वो आप किसी एक ही ओरेकल बेस के अंदर जो है मोर देन वन डेटाबेसिस क्रिएट कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स यू कैन ओपन एनी डेटाबेस, ठीक है। लेकिन एट अ टाइम ओपन एक ही डेटाबेस होगी क्योंकि आपका जो एक इंस्टेंस है वो एट अ टाइम किसी एक ही डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। दिस इज अ डेडिकेटेड सर्वर एनवायरनमेंट। तो जिसका जो सेकेंड होता है, जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि शेयर्ड सर्वर एनवायरनमेंट, तो उसमें आप जोन सा वो, लेकिन उसके लिए फिर आपको रियल एप्लीकेशन क्लस्टर रैक जोन सा है वो एनवायरनमेंट डेवलप करनी पड़ती है, तो वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो वो एक सेपरेट है, तो वो इसके बाद कह लें कि आएगा। तो इसमें हम यही कहेंगे कि वी कैन ओनली कनेक्ट अ सिंगल इंस्टेंस विद अ सिंगल डेटाबेस एट अ टाइम। और आपको पता है कि ओरेकल इंस्टेंस को साथ कनेक्ट किए बगैर, लिंक किए बगैर वी कैन नॉट ओपन द डेटाबेस। तो इस तरह आप ओरेकल बेस के अंदर मोर देन वन ओरेकल होम्स मैनेज कर सकते हैं। और फिर उसके अंदर जो है ओरेकल सीड पर्टिकुलर जो आपका सीड नेम है, ठीक है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लाइक आप कहते हैं DB01 DB02 DB03, तो आप ये सारी चीजें ये सारे जो उनसे सीड जो उनसे मोर देन वन वो कर सकते हैं। और NLS333 जो उनसे है ये आपका करेक्टर सेट के लिए यूज होता है। तो इस वेरिएबल को आपने सेट करना है इफ यू वॉन्ट टू यूज the other than the default character set, ठीक है। US001 कौन सा character है, universal जो है वो आपका default होता है, तो अगर आप other than default अगर आप choose करना चाहें then you have to configure this parameter। और फिर जो है path आ जाते हैं कि आपकी library path है, आपका data files का path है, redo log files का path है, आपकी control files का path है, तो ये सारे जो है path वो आप दे सकते हैं कि आपकी data files किधर किधर हों। मोर देन वन डाटा फाइल्स ऑब्वियसली हो सकती हैं, उनको आप डिफरेंट लोकेशंस पे रख सकते हैं, तो वो सारा जो है वो जब आप हायरार्की देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी, वो इतना कोई टेक्निकल नहीं है। अच्छा, DBCA जो है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट जो है ये आपको अलाउ करता है डेटाबेस क्रिएट करना, ऑब्वियस बात है, और उसको कन्फिगर डेटाबेस डिफरेंट ऑप्शंस आप वो कर सकते हैं। और यू कैन डिलीट द डेटाबेस, यू कैन मैनेज द, ये इंपॉर्टेंट है कि यू कैन मैनेज द टेम्पलेट, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि आप कहते हैं कि फिजिकल आपकी डेटाबेस क्रिएट ना हो, लेकिन ये है कि आप यू कैन क्रिएट द टेम्पलेट। तो आप 1, 2, 3, 4 डिफरेंट टेम्पलेट क्रिएट करके रख लेते हैं और व्हेन यू विल गोइंग टू क्रिएट द एक्चुअल डेटाबेस यू कैन यूज दैट टेम्पलेट, तो इट विल एक्चुअली सेव योर टाइम। और द अदर बेनिफिट इज दैट यू कैन शेयर दैट टेम्पलेट विद यूर अदर एक्चुअली कुलीग्स, तो आप उनके साथ शेयर करें। अगर वो सेम डेटाबेस आपने एक डेटाबेस क्रिएट की, वो किसी वजह से आपको अब नई डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी, तो अगर आपने उसका टेम्पलेट क्रिएट करके रखा है तो आप उसी टेम्पलेट को यूज करते हुए यू कैन ऑल्सो मेक द मॉडिफिकेशन ऑफ दैट एग्जैक्ट टेम्पलेट भी नहीं आपने यूज करना, लेकिन यह कि जितनी चीजें आपने टेम्पलेट में डिफाइन कर दी डिसाइड कर दी तो आप उससे आगे जो उनसे वो चीज़ों को मॉडिफाई करके तो चेंज कर सकते हैं। तो वो आपकी बहुत सारी जो है कह लें कि लॉजिक है, बहुत सारे टाइम सेव हो जाता है, जो आपने प्रीवियस प्लानिंग की हुई है आप उसी को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं।
टेम्पलेट जो है प्री डिफाइंड टेम्पलेट, तो आप किसी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट या किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस से जो है वो टेम्पलेट भी डिफाइन कर सकते हैं, डेटाबेस भी कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपने एक डेटाबेस क्रिएट की, अब आप एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, तो वो भी आप कर सकते हैं कि आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस का कम्प्लीट आर्किटेक्चर और वो सारी चीजें विद योर चेंज प्लान तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। क्रिएट दैट न्यू टेम्पलेट भी कर सकते हैं और डिलीट डेटाबेस टेम्पलेट, ऑब्वियस बात है कि आप उसको डिलीट ड्रॉप एडिट मैनेज वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्रिएट डेटाबेस यूजिंग डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, तो जब आप इसको करेंगे ना तो फिर आपके पास दो ऑप्शन आती है। एक होता है डिफॉल्ट ऑप्शन जिसमें ओरेकल की रिकमेंडेड आर्किटेक्ट इसका आता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आता है, सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर आता है, लेआउट आता है, लोकेशन ऑफ द डाटा फाइल्स आता है, नेम्स ऑफ द डाटा फाइल्स आता है। तो वो अगर आप वो डिफॉल्ट में जाते हैं तो वो स्टैंडर्डाइज नेम यूज करेगा, उसकी जो सेट लोकेशन होती हैं वो उनको यूज करेगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप कोई डाटा फाइल ऐड करेंगे तो नो नीड टू गिव द नेम ऑफ द डाटा फाइल एंड द लोकेशन ऑफ द डाटा फाइल, तो वो ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे जो उनसे सिस्टम जनरेटेड नेम के साथ डाटा फाइल क्रिएट कर देगा। और वो बड़े मीनिंगफुल नेम्स होते हैं, उसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल डाटा फाइल है, ये कोई इंडेक्स फाइल है, कि ये जो उनसे टेम्परेरी फाइल है, तो ये किस किस्म की फाइल है। एक होता है कस्टमाइज्ड, तो अगर आप कस्टमाइज पे जाते हैं तो इट दिस ऑप्शन कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द एक्सपीरियंस्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स which already have experience to create the database and then know each and everything and the aspects and the different parameters. So, wo jo jab aap is level pe chale jate hain, then you can use customized database creation. ठीक है, तो ये दोनों में difference आ जाता है। तो बाकी जो उनसे है any script to run after database, तो ये जैसे मैंने बताया कि दो scripts हैं which must be run after creating the database. One which will be used to create the base tables of your data dictionary. And second, the PL SQL procedures. ठीक है, PL SQL support will be provided to run the PL SQL queries in that database. So, ये database immediately after creating the database, you must have to run these two scripts. Otherwise, you cannot open your database. That operations in. अच्छा, ये अभी session मेरा ख्याल है ये खत्म होने लगा, तो मैं इसको अभी इधर stop करके ना recording को